नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयश्री नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह आपको न्यू वैकेंसीज के अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी की जो कि आज रहने वाली है योगी वेमना यूनिवर्सिटी, अ स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रहने वाली है दोस्तों, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन, एक्सपीरियंस, ये सभी दोस्तों आपको www.yogivemanayuniversity.ac.in पर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है 12/2/2021, 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट बता रखी है। आगे बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की। जूनियर मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर एक पोस्ट है, स्टाफ नर्स एक मेल और एक फीमेल, स्टाफ नर्स एक मेल और एक फीमेल की यहाँ पर दो पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। आगे बात करते हैं दोस्तों मेडिकल ऑफिसर के लिए। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की बात करें मेडिकल ऑफिसर के लिए तो MBBS डिग्री होना अनिवार्य है, जो कि आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 53,495 उनकी सैलरी रहने वाली है। स्टाफ नर्स सेकंड पोस्ट है, स्टाफ नर्स की टोटल यहां पर दो पोस्ट है, एक मेल की और एक फीमेल की, दो पोस्ट है इसमें दोस्तों। GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स GNM BSc होना अनिवार्य है। मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द आंध्र प्रदेश नर्सिंग काउंसिल, आंध्र प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। सैलरी की बात करें तो 22,500 रुपये। आगे बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट है और सैलरी की बात करें तो सैलरी 19,019 रुपये रहने वाली है। फार्मासिस्ट की बात करें दोस्तों तो फार्मासिस्ट की यहाँ पर एक पोस्ट है, 19,019 रुपये सैलरी रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए और एक पोस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर सैलरी दोनों की सेम है। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप PDF अच्छे से पढ़ लें, इसकी PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। तो दोस्तों, इसी तरह न्यू वैकेंसीज की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको इसी तरह न्यू वैकेंसीज की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।